आठवें निजाम मुकरमजा बहादुर के जज्दे खाकी को हैदराबाद लाया जा रहा है और चौमल्ला पैलेस में इनकी मैयत को आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा, जहां शहरी और इनके अरकान खानदान इनका आखिरी दीदार कर सकते हैं। इनके इंतकाल के साथ ही शहर हैदराबाद के पुराने शहर के खिलवत इलाके में पुलिस और बल्दिया की जानिब से इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनके जज्दे खाकी को लाने वाले रास्तों पर रुकावटों को दूर करने और चौमहला पैलेस के करीब में ट्रैफिक के इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं। चौमहला पैलेस इंतजामिया की जानिब से अगले 5 दिनों तक चौमहला का मुशाहिदा करने आने वालों के लिए चौमहला पैलेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही मक्का मस्जिद में आसिफ जाह मकबरे के अहाते में इनकी तदफीन के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तदफीन के लिए इनके वालिद आजम जाह के खबर के बिल्कुल करीब में खबर की खुदवाई अंजाम दे दी गई है। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और मक्का मस्जिद में आसिफ जाह मकबरे के देखभाल करने वाले एक अहदेदार के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। बेटे आजम जा प्रिंस जी, ये उनकी बहन अहमद उन्नीसा, ये भाई सराफ बच्चे, ये है महबूब अली पाशा जी, सिक्स निज़ाम उस्मान अली पाशा के वाली। यहाँ पर कितने निज़ाम की मज़ारात है? यहाँ पर पांच बादशाह हैं। यहाँ पर ये उनके दादा है नासरत दौला जी, दादा के दादा परदादा निज़ाम अली खान, और निज़ाम के छोटे बच्चे हैं, उनके अव्वल की बीवी अमदा बेगम, बहन है उनके, लड़कियाँ हैं सिकंदर जा सिकंदराबाद जो स्टेशन बोलते हैं सिकंदर जा अफजालत दौला अफजलगंज की जो मस्जिद, अब पूरे पांच बादशाह हैं यहाँ पर, ये पूरा मार्बल है, इटालियन मार्बल है ये। तो अभी आज जो अभी जो तदफीन होने वाले लास्ट, इनका क्या नंबर रहेगा यहाँ पर बादशाह? अब सात बादशाह ये है ना, आठवां बादशाह है मुकरम जामीर बरकत अली खान प्रिंस, वो पूरे जो उनकी फैमिली है यहाँ पर जो है, फर्स्ट बादशाह औरंगाबाद में आसफ जाह डायनास्टी, लास्ट उस्मान अली खान तीन कोटी में।